हेलो, आज मैं रिव्यू करूंगी वंडर शेफ का न्यूट्री ब्लेंड मिक्सर ग्राइंडर। ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से 2495 रुपीज़ में। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें इस प्रोडक्ट की एक्चुअल रिव्यू जानने के लिए। तो मैं आपको इसकी कंटेंट्स दिखा देती हूँ। हमारा मिक्सर हो गया एक सबसे पहला, उसके बाद एक छोटा वाला ग्राइंडिंग जार और बड़ा वाला जो है वो है ब्लेंडिंग जार। दो एक्स्ट्रा लिड्स हैं इसमें, एक स्ट्रेनर लिड और एक नॉर्मल लिड है। ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है ये प्रोडक्ट। और एक हमें मिला है रेसिपी बुक। बहुत ही छोटा और कंपैटिबल साइज है इसका, छोटे किचन छोटे फैमिली के लिए सही है। और ये जो हमारा ग्राइंडिंग जार है, आपको देख के लग रहा होगा ये कितना पुराना है या मैंने कितना यूज़ किया इसे, मगर नहीं, ये पहले यूज़ के बाद ही इसमें इतने स्क्रैचेस आ गए थे। मैंने पेपर इसमें ग्राइंड किया था और उसके बाद आप देख लें इसकी हालत। क्वालिटी इस प्रोडक्ट की, इस प्लास्टिक की जिससे ये बना है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट कुछ दिन तक भी अच्छा रहे तो वो नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसकी ऐसी हालत हो जाती है। ब्लेंडर जार थोड़ा ठीक है ग्राइंडर जार से, मगर ये भी वैसे ही पुराना लग रहा है, बिल्कुल स्क्रैच बहुत आ गए हैं और अजीब सा लेयर हो गया है जैसा इसमें। साइज वाइज और इसका मोटर वाइज ये बहुत अच्छा है, मगर क्वालिटी वाइज इसकी जार की क्वालिटी आप देख ही सकते हैं। तो मैं तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। मगर अगर आपकी छोटी फैमिली है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता है इन स्क्रैचेस से, तो आप ले सकते हैं। कुछ भी इजीली ब्लेंड हो जाता है और छोटा जार के वजह से इसमें थोड़ी सी भी क्वांटिटी में अच्छे से कुछ भी ग्राइंड हो सकता है। मैं आपको इसमें एक शेक बना के दिखाती हूँ। मैंने दूध लिया, उसमें कुछ बनानास डाले। आप इसका पावरफुल मोटर देख सकते हैं कि तुरंत में शेक मेरा रेडी हो गया। लीकेज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मेरी ये रिव्यू पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिक्सर मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जब भी जार यूज़ करें उसे फौरन उसी वक्त वॉश कर लें, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ेंगे, अगर आप लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो आप उसी वक्त वॉश कर लें। अगर आप छोड़ेंगे तो वो सूख जाएगा और उसमें आपको स्क्रब यूज़ करना पड़ेगा बहुत, जिससे वो ख़राब होगा।